हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए अक्टूबर 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। कर्स वॉइस सभी के लिए रीडिंग होगी, जो सिंगल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं या आप अगर किसी रिलेशनशिप में, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। और यहाँ मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो डेक के साथ कार्ड्स ले रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। बॉटम से एनर्जी है प्रिंसेस ऑफ वॉन्स की। ऑरेकल डेक से देख रहे हैं, कम्युनिटी, चेयरमैन, ओके, फैरी टैरो डेक से दिख रहे हैं, जिस अपार्टमेंट, एट ऑफ स्पेन, सेवन अपार्टमेंट, एनर्जी देख रहे हैं, वुमन होल्डिंग ए हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आए हैं, अटैचमेंट, ऑरेकल डेक से ले रहे हैं, द आइस क्वीन, द पर्शियन वेव, यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड देख रहे हैं, फ्रीडम का। ये कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉन आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ सिंगल्स के लिए देखें तो जो पर्सन आपके लिए इस मंथ में आ सकते हैं या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी ये पर्सन आ सकते हैं, तो यहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए मैं पर्सन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। और ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं और काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन हैं और काफ़ी पैशनेट पर्सन हैं। ये अपने वर्क में काफ़ी डेडिकेटेड हैं और वहीं ये पर्सन जो हैं वो किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हैं और इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरी है, इस तरह का इनकी पर्सनालिटी है। और वहीं आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बॉटम डेक की एनर्जी भी प्रिंसेस ऑफ वॉन्स आई थी, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन आया है और प्रिंसेस ऑफ वॉन्स आए हैं, तो क्यूट स्वीट पर्सनालिटी के पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। और वहीं इनसे फर्स्ट आपकी फ्रेंडशिप हो ऐसा भी लग रहा है। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और वहीं कप्स एनर्जी भी आई है हमारे पास, फाइव ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स आया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आपके पर्सन हो सकते हैं। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। वहीं आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स, आप काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे हैं क्योंकि यहाँ दो कार्ड्स इसी तरह के आए हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो काफ़ी परेशान हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में हैं, काफ़ी परेशानी भरा समय देख रहे हैं आप अपने लिए और काफ़ी चिंता में हैं, परेशानी में हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं। मे बी आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है या काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा लग रहा है काफ़ी चुनौतियाँ हैं आपके सामने और इसी वजह से आप काफ़ी नींद भी आपकी डिस्टर्ब चल रही है, ऐसा हो रहा है कि आप सो नहीं पा रहे, नाइट पेयर्स वगैरह फेस कर रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कपल्स के बीच में कुछ फाइट वगैरह हुई है, ऐसा कुछ हुआ है कि आप अभी सेपरेटेड हैं या कुछ नो कॉन्टेक्ट और लॉन्ग डिस्टेंस जैसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी है, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ है और इसी वजह से आप काफ़ी बेचैन हैं, रातों को नींद में आपकी डिस्टर्ब हो रही है, नींद नहीं ले पा रहे, आप काफ़ी परेशानी भरा समय देख रहे हैं अपने लिए, ऐसा लग रहा है और ये आपके साथ हो रहा है। फाइव ऑफ कप्स एनर्जी भी इसी तरह की है, काफ़ी गुस्से में भी हैं आप, नाराज़गी से भरे हैं और काफ़ी इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगेन कप्स एनर्जी आई है जो रिलेशनशिप में अप डाउंस को बताती है,
अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो काफ़ी आप फेस कर रहे हैं, रिश्तों में काफ़ी आप स्ट्रगल देख रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हो या आपके अपने अपनों की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे आपके साथ, इसी वजह से काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी आपकी यहाँ दिख रही है। और कुछ लोगों के बीच में ऐसा है कि कपल्स के बीच में फ़ाइट हुई है और सेपरेटेड हैं, अभी आप बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हुआ है और काफ़ी परेशान हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और कुछ भी आपका कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहे हैं। पर यहाँ आपके लिए टू ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ डिवाइन लाइट है टू ऑफ कप्स पे, तो आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में भी आप लोग हो सकते हैं और ये जर्नी थोड़ी टफ होती है, तो मे बी आप इसी वजह से अभी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, काफ़ी अप डाउन्स आपने देखे हैं रिश्तों में, पर आपके लिए सब कुछ ठीक होने वाला है क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आपका डिवाइन कनेक्शन है। मे बी टाइमिंग अभी आपका थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है, पर आगे के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए, है टेन ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है कि इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है। टेन की एनर्जी कंप्लीशन की मानी जाती है, तो फुलफिल फील करेंगे, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, ये आपकी करंट एनर्जी है और कुछ आपकी जो परेशानियाँ रही है उससे ऊपर उठेंगे आप कैप्रिकॉन्स। आपके लिए बहुत सारे ऐसे हैप्पी मोमेंट्स वेट कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली टाइमिंग रहेगा आपके लिए, परिवार के साथ काफ़ी खुशियाँ बांटेंगे आप, हंसी खुशी में टाइम बीतने वाला है आपका, और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा और फुलफिलिंग टाइम आपके लिए रहेगा, काफ़ी पैसा भी आएगा आपके लिए, रिसोर्सेज काफ़ी रहेंगे आपके पास और वहीं काफ़ी सुखी और शांत रहेंगे इस मंथ में। जो परेशानी है उससे काफ़ी ऊपर उठने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप शादी सगाई करें, क्योंकि आपके लिए फोर ऑफ वॉन्स कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी और सगाई तय हो जाए, या आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से भी इस मंथ में मिल सकते हैं। स्पेशली आप सभी के लिए लग रहा है कि जो परेशानी है वो उससे आप काफ़ी ऊपर उठेंगे अक्टूबर के मिड में, स्पेशली आपके लिए हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्स इसी तरह का कार्ड है, आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए सोच सकते हैं, और वहीं जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये है कि कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है जिनसे आप आगे चल के शादी करें, और शादी सगाई फिक्स भी होने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये लग रहा है कि आप कहीं शिफ्ट होकर जाएँ और कहीं ट्रांसफ़र होकर आप एक नया घर लें, ऐसा भी आप लोगों के लिए लग रहा है। और अभी तक की जो स्टकनेस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपका जो टाइमिंग आपने अभी फेस किया है उससे ऊपर उठेंगे आप अक्टूबर के मिड में, और काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आपके बीच में आ सकते हैं। पार्टनर आपके जो हैं वो आपसे कनेक्शन फिर से आपका बन सकता है उनके साथ, और जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है उनके बीच में भी काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आ सकते हैं। माइंड बॉडी और सॉल लेवल पे आप काफ़ी डीप कनेक्शन फील करेंगे अपने पर्सन के साथ, और काफ़ी टुगेदरनेस रहेगी आपकी, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आप लोगों के लिए रहने वाला है, स्पेशली अक्टूबर के मिड में ऐसा होगा। और ओरेकल डेक से जो कार्ड आए हैं, कम्युनिटी कार्ड आया है, तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू इन पर्सन से मिलें, यानी आप किसी गैदरिंग में जाएंगे, शादी सगाई फंक्शन या कोई भी ऐसा जहां पे आपकी कम्युनिटी में आप इनसे मिल सकते हैं जैसे पर्सन आपको बताए गए हैं। और वहीं चीफ का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हो सकते हैं आपके पर्सन जिनसे आपका कनेक्शन बने, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले पर्सन हैं और डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं, काफ़ी रेपुटेशन है इनकी और झूठ पसंद नहीं करते और काफ़ी सच्चाई पसंद इंसान आपके लिए आने वाले हैं। 24 नंबर है, तो ये उनकी एज भी हो सकती है और इसे आप ऐड करते हैं तो 6 नंबर बनता है, ये उनका मूलांक भी हो सकता है। और वहीं आपके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं, स्पेशली सिंगल्स के लिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए पर्सन आ सकते हैं जो प्रिंसेस ऑफ ऑटोमन क्वालिटीज़ के होंगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है उनकी स्टूडियस हैं, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, चीयरफुल हैं, मिस्चीवियस हो सकते हैं, थोड़े से काफ़ी खुश मिजाज इंसान हैं, जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, काफ़ी ज़िम्मेदार इंसान हैं और लाइफ को बहुत लाइटली लेते हैं, जहाँ वो समझदारी भी है उनमें, वहीं काफ़ी लाइफ को लेकर एक कह सकते हैं कि उनमें फन लविंग भी हैं, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में। और स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा टाइमिंग रहने वाला है आपके लिए। और जो मैसेज आया है, हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। जी, आपके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है कैप्रिकॉन, अक्टूबर का मंथ आपको कोई नया जॉब ऑफर भी आपके लिए आ सकता है, और हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है आपके लिए। एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, और जो यहाँ मैसेज दिया गया है, स्ट्रेस,
दैट कम फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट और चेंज। जी ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्टडीज़ के साथ कुछ बिजनेस या कोई वर्क आपका चल रहा है और मल्टीटास्कर हैं आप, एक साथ कहीं काम कर रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा बोझ आपको लग रहा है। पर ये अक्टूबर का मंथ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, आपको उनमें अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा, तो आप काफ़ी खुश रहेंगे। मे बी आप थोड़ा सा वर्क ज़्यादा कर सकते हैं अक्टूबर के मंथ में, ये भी आपके लिए आया है, और पर आप सक्सेसफुली कर पाएंगे मल्टीटास्किंग। अगर नौकरी के साथ कुछ और करते हैं या स्टडीज़ के साथ कुछ और भी काम करते हैं तो वो काम भी अच्छा चलेगा आपका। मैच्योर मैन का कार्ड है ओरेकल डेक से, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि वो शादीशुदा हो सकते हैं, यानी मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, ऐसा भी आपके लिए लग रहा है। और आपके पर्सन जो हैं वो भी इस मंथ में आपसे मैच्योरिटी के साथ बिहेव करने वाले हैं, काफ़ी समझदारी से रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, और ये आपके लिए होने वाला है जो लोग रिलेशनशिप में हैं स्पेशली उनके लिए। और यहाँ द विजडम ऑफ हिडन रिलीम ओरेकल डेक जो मैंने न्यूली अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, इनमें से आया है कार्ड द आइस क्वीन का, और जो यहाँ कीवर्ड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी स्टक हैं सिचुएशंस में और काफ़ी आइसोलेट कर रखा है आपने खुद को। मे बी अभी आप थोड़ा लोगों से मिलना नहीं चाह रहे, थोड़ा बात कम कर रहे हैं और कम्युनिकेशन आपका ब्रेक चल रहा है। अगेन वही एनर्जीज दिख रही है कि काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन नहीं है और कुछ अभी सोचना नहीं चाहते। जैसा हमारे पास फाइव ऑफ कप्स एनर्जी आई थी, यहाँ भी वही एनर्जी है, आप बहुत वेट कर चुके हैं और इसी वजह से काफ़ी परेशान चल रहे हैं काफ़ी लोग, और इस बारे में किसी से आप अभी बात नहीं कर रहे, अपने इमोशंस भी शेयर नहीं कर रहे, और जिन लोगों जो लोग रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, सिंगल्स भी हैं, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पर यहाँ पे ऑल स्पिरिट है तो आपकी समझदारी जो है वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको हेल्प करेगी। 28 नंबर आया है तो 10 नंबर बनता है, इसे आप ऐड करते हैं, 2+8=10 होता है, तो 10 की एनर्जी कम्प्लीशन की है। आप अपने आप में बहुत कम्प्लीट और फुलफिल पर्सन हैं, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को, सब कुछ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है और आप में वो सारा पोटेंशियल है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें, आपके लिए ऐसा मैसेज आया है। और द पर्शियन वेव का कार्ड है और यहाँ सेल्फ सैबोटेज और पावर्टी और कॉन्शियसनेस के कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो आप अभी काफ़ी परेशानी भरा समझ देख रहे हैं। मैं भी आपके पैसे से रिलेटेड समस्याओं से भी आप थोड़ा ग्रस्त हैं, इसी वजह से थोड़ा फ्यूचर को लेकर आप असमंजस में हैं कि आपका क्या होगा, कैसे होगा, या आप अगर काफ़ी टाइम से सिंगल हैं तो काफ़ी परेशानी आपको ऐसे हो रही है सोचने में कि फ्यूचर आप नहीं देख पा रहे क्लियर। मे बी रिलेशनशिप में भी हैं तो आप सोच रहे हैं कि वो आपके पर्सन मे बी आपको कमिटमेंट देने में थोड़ा पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, इसी वजह से आप थोड़ा सोच रहे हैं। पर यहाँ फेरीज आपको कह रहे हैं या कहें कि गॉड आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप पे मेडिटेट करें, और ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी आपके लिए चैलेंजिंग जरूर हो सकती है, पर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप बहुत करेजियस पर्सन हैं, अगर आप अपने लिए खड़े रहेंगे तो यूनिवर्स भी आपको बहुत हेल्प करेगा हर तरह से। यहाँ आप डिवाइन लाइट देख रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में ना रहें, अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाएं। जो लोग सेपरेटेड हैं स्पेशली और नो कॉन्टेक्ट में हैं, उनके लिए ये होगा कि आप अपनी विल पावर फिर से आप बिल्ड करें, अपने आप पर भरोसा रखें और अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने की कोशिश करें, इसी तरह का मैसेज दिया गया है। और यहाँ सेवन ऑफ ऑटमन का कार्ड है और जो मैसेज दिया गया है फेरी टैरो डेक से है ये, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, ए प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी। यहाँ भी वही मैसेज दिया गया है कि आप पेशेंस रखें और चिंता ना करें, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आने वाली है और पैसे से भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं आपको बहुत सारे नए लोग भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको हीलिंग की तरफ जाना होगा और अपनी एनर्जी को आप सेंटर्ड रखें और परेशान ना रहें, और अपने आप को मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड होने की कोशिश करें। और ये टाइमिंग जो है वो एक सही तरफ आगे जाने के लिए बिल्कुल सही टाइमिंग है। अगर इस टाइमिंग में आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं या अपने कैरियर के लिए आप प्लान करते हैं तो वो प्लान भी आपके सक्सेसफुल होंगे। वहीं कैरियर के लिए अच्छा समय रहने वाला है, काफ़ी इस तरह के कार्ड्स आए हैं कि कैरियर के लिए अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। फ्रीडम का कार्ड है यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड की तरफ से,
यहाँ जो मैसेज दिया गया है, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। जी आपको यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड की तरफ से भी यही मैसेज है कि जो आपका पास्ट है उसे आप भूलने की कोशिश करें या लेट गो करें चीज़ों को। आपके पास वो सब कुछ आएगा जो आपके लिए लिखा गया है, पर अभी आप अपने आप को पास्ट इश्यूज़ या पास्ट हर्ट जो आपके साथ हुए हैं उनसे आप अपने आप को फ्री करें, ताकि आपके लिए जो बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है उसको आप अपनी तरफ ला सकें, और जो पुरानी आपके थॉट पैटर्न्स हैं या कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है उसको आप भूलने का प्रयास करें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने की कोशिश करें, ऐसा आपके लिए कहा गया है। और एनर्जी ओरेकल डेक से आर्कएंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स आई है। वहीं कार्ड आया है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का, तो आर्कएंजल एरियल आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। तो सेकंड चक्र जो है वो इंटीमेसी का कार्ड माना जाता है और क्रिएटिविटी का कार्ड माना जाता है। तो आप अपने पर्सन के साथ अगर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और काफ़ी परेशानी भरा समय अगर आपने देखा है, तो आर्कएंजल एरियल जो है उनके ब्लेसिंग से आप फिर से अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस ख़त्म करने की श्योरिटी दे रहे हैं। और आप अगर प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये हो पाएगा, बहुत जल्द आप अपने पर्सन से मिल सकेंगे, ऐसा भी आपके लिए लग रहा है। और आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ने वाली है। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, जैसे आप सिंगर हैं, डांसर हैं, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर हैं या यूट्यूबर भी हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इस मंथ में आने वाले हैं। और वहीं एंजल ऑफ बैलेंस जो हैं वो भी आपको लाइफ का बैलेंस देने के लिए आए हैं। हाँ, आप गोल्डन पिरामिड्स देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने हायर लेवल सॉलमेट कनेक्शन में इस मंथ में जा सकते हैं। और एंजल ऑफ बैलेंस आपको ये बैलेंस दे रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना सकेंगे। और अगर रिश्तों में कुछ परेशानी चल रही है आपकी, जैसा हमें कार्ड्स दिखे थे फाइव ऑफ कप्स और फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो वो भी आप लोगों के लिए बैलेंस में आता स्टार्ट हो जाएंगे इस मंथ में। स्पेशली कि रिश्ते भी आपके फिर से ठीक हो सकते हैं और फिर से आपके एक्स भी बैक हो सकते हैं, रिश्तों में मनमुटाव खत्म हो सकता है। अटैचमेंट का कार्ड है, तो यहाँ ये कि आपके पर्सन काफ़ी अटैच फील करने वाले हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन ये जान पाएंगे कि आपके साथ उनका गहरा लगाव है, प्यार है, और यही चीज़ वो आपको बताएंगे भी। नंबर फाइव आया है, तो चेंज का नंबर है, बहुत जल्द वो अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम से फ्री कर आप तक आएंगे। और जैसा वुमन होल्डिंग के कॉइन एनर्जी भी आई है, तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो, यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के पर्सन आ सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल होंगी ये, और अगर बॉय होंगे तो वो काफ़ी हैंडसम होने वाले हैं। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा इनका और स्टाइल सेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है। और ये है कि ये फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स इनका हो सकता है और ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन या पार्टनर भी बहुत अच्छा अर्न करने वाले हैं। लेडी लक से आपको काफ़ी मनी आने वाला है इस मंथ में, स्पेशली सभी के लिए ये होने वाला है। और वहीं हम देख रहे हैं जो सिंगल्स हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके जॉडिक साइन के होंगे, और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं उनका जॉडिक साइन क्या होगा जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। जेमिनी हो सकते हैं, मिथुन राशि के लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, पाइसिस भी आपके पर्सन हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं, और कैप्रिकॉन के लिए कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं, मकर राशि के ही हों वो भी आपकी तरह, लियो भी हो सकते हैं, सिंह राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। और उनके अल्फ़ाबेट्स अगर हम देखें, एन नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है और ए नाम से हो सकता है उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। के नाम से भी उनका नाम हो सकता है और जे नाम से भी हो सकता है। ये अल्फ़ाबेट्स आए हैं एन, ए, के और जे। वहीं हम देख रहे हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे इस मंथ में। स्पेशली आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, जी आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद है। और आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। You are the reason I become stronger, but still you are my weakness. ये भी मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन। To me you are perfect. आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हैं। और I'm not that perfect, but my heart will always beat for you. जी आई लाइक यू बिकॉज यू सपोर्ट मी एंड लव मी, आप उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है।
समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू, जी वो आपके बारे में सोचते हुए जाग जाते हैं, कितनी ही बार ऐसा उनके साथ होता है। विल यू मैरी मी, जी आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या आप उनसे शादी करोगे। और फोर ऑफ वॉन्स कार्ड भी आया था हमारे पास, एक मैसेज और ले रहे हैं। यू कैन लिसन टू मी विथ स्माइल, जी आप उन्हें काफ़ी स्माइल के साथ सुनते हैं। एक और ले लेते हैं, एम आई डिजर्व यू, अभी आपके लिए मैसेज है। आई स्टिल लव यू एंड केयर फॉर यू, जी आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी केयर करते हैं। यही सब मैसेजेस थे आपके लिए और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।